नमस्कार मित्रों, रोजगार तक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देवेंद्र प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक बने हैं, जो इसके पहले वह राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है उसके परीक्षा नियंत्रक थे, ठीक है। तो अभी वह 3 वर्ष के लिए, देवेंद्र प्रताप सिंह जी अभी 3 वर्ष के लिए, अगले 3 साल के लिए वह परीक्षा नियंत्रक बने हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि उनके लिए कुछ जो पेंडिंग परीक्षाएं हैं, जो लंबित परीक्षाएं हैं, उनको सकुशल संपन्न कराना, उस पूरी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराना, नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराना उनके लिए अहम चुनौती है। सबसे पहले जो समाचार पत्रों में जो बातें इंगित की गई हैं वह है 1017 पदों पर जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो भूतपूर्व आयोग था, अब वह आयोग समाप्त हो चुका, अब तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में ही सब कुछ मर्ज हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 51 के द्वारा 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली हुई थी। तो उसकी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराना और प्लस जो उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता भर्ती परीक्षा थी, लगभग 4100 पदों पर यह टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा थी, इसको संपन्न कराना, मतलब 2 परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराना, जल्द संपन्न कराना, यह देवेंद्र प्रताप सिंह परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अहम जिम्मेदारी है और उन्होंने यह स्वीकार किया है। तो देखिए अभी कीर्ति पांडे जो गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर थी, गोरखपुर विश्वविद्यालय में शायद कुछ और पता नहीं क्या उनका डिपार्टमेंट था, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय की वह प्रोफेसर रही हैं डॉक्टर कीर्ति पांडे। तो वह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष बनी है, अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो गई है, 12 सदस्यों की भी नियुक्ति हो गई है और परीक्षा नियंत्रक की भी अंततः नियुक्ति हो गई है। कुल मिलाकर अंतोगत्वा जो भी हुआ है बढ़िया हुआ है, अब सरकार की मंशा साफ दिख रही है और जो परीक्षा नियंत्रक जी हैं उन्होंने भी स्वीकार किया है कि उनके लिए यह जो पेंडिंग परीक्षाएं हैं, ये जो लंबित परीक्षाएं हैं, उनको सकुशल संपन्न कराना उनकी अहम जिम्मेदारी है। तो परीक्षा कब तक हो सकती है, देखिए टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों परीक्षाओं की बात करूंगा, तो सब कुछ हो चुका है, धीरे धीरे बहुत कुछ हो चुका है। तो यह भर्ती प्रक्रिया आमतौर पर मैं कह सकता हूं, जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अगर इन दोनों परीक्षाओं की बात किया जाए, अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं और प्रशिक्षित स्नातक प्रवक्ता भर्ती परीक्षा टीजीटी पीजीटी परीक्षा अगर दोनों परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले कौन सी परीक्षा प्रक्रिया संपन्न हो सकती है, तो मैं बात करूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, जो 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली हुई थी उसकी परीक्षा पहले संपन्न होगी और उम्मीद करता हूं कि 15 दिसंबर के बाद यह परीक्षा कभी भी हो सकती है, लगभग 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में यह भर्ती प्रक्रिया यह परीक्षा हो सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। आफ्टर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के बाद ही आपका टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी, इसके पहले टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं होगी। अगर दोनों परीक्षाओं में अगर यह मैं कहूं कि किसको वरीयता मिलेगी, कौन सी परीक्षा पहले हो सकती है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो सकती है, यह बात आप जान लें। एक और प्रश्न बहुत सारे लोगों के द्वारा निकलकर सामने आ रहा है, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या बढ़ेगी, 1017 पद हैं, क्या पदों की संख्या बढ़ेगी। मैं आपको बता दूं, इसके पूर्व भी अगर किसी भी भर्ती प्रक्रिया में एक लंबा समय व्यतीत होता है तो बहुत सारे अध्याचन फिर नए सिरे से मांग लिए जाते हैं, तो उम्मीद करिए ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग 1700 से 1800 पद इंक्रीज हो जाएंगे, कुल मिलाकर इंक्रीज होकर मतलब बढ़कर पद 1700-1800 करीब हो सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। अब टीजीटी पीजीटी के पद इंक्रीज होंगे कि नहीं, बढ़ोतरी होगी कि नहीं पदों की, मैं इसके बारे में आंकड़े इकट्ठा करूंगा जो भी कुछ जानकारी मिलेगी, लेकिन मेरे हिसाब से जो जानकारी मुझे लग रहा है कि हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या बढ़े। एक और प्रश्न बहुत सारे लोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पूछ रहे हैं, क्या रीओपन हो सकता है, क्या फॉर्म फिर से रीओपन हो सकता है, तो मैं यही कहूंगा कि फॉर्म रीओपन का चांस नहीं है भैया, अभी मैं साफ साफ कह दूं, क्योंकि अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली अहम जिम्मेदारी ये जो लंबित भर्तियां हैं इनको सकुशल संपन्न कराना है, वह नए पछड़े में नहीं पड़ना चाहेगा और अभी पद बहुत सारे रिक्त हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद और रिक्त हैं, अभी और भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी, तो हो सकता है जैसे यह 51 वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो जाए फिर एक और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आप लोग को देखने को मिला, एक और विज्ञापन प्रवक्ता प्राध्यापक का देखने को मिले आपको, लेकिन फिलहाल अभी यह फॉर्म रीओपन नहीं हो रहा है। रीओपन वाला जो विचार है, न जाने यह कहां से आ रहा है, किसके मन में आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसे आप टाल दीजिए अभी फिलहाल के लिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद आप लोगों को।